हेलो गाइस, आज मेरे सामने फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट, हियर इज कनेक्ट एलईडी डीआरएल विद टर्न इंडिकेटर्स, मल्टी रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, नेक्स्ट वेव ग्रिल विद सुजुकी लोगो। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक पेंटेड 16 इंच अलॉय व्हील, आगे में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे आपको, बॉडी कलर्ड ORVM। ये रहा इसका साइड प्रोफाइल, फुल क्लैडिंग मिलेगी आपको इसमें, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, और ये जो कलर आप देख रहे हैं ग्रैंडियर ग्रे कलर है। पीछे की तरफ भी आपको सेम वही 16 इंच अलॉय व्हील और पीछे में ड्रम ब्रेक्स होंगे। पीछे की लुक की तरफ आते हैं तो फिर ये आपको थोड़े बहुत ग्रैंड विटारा के जैसे लगेगी। जो सिग्नेचर ट्रेल लाइट है कनेक्टेड वाली, ये इसमें आपको नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको। अब इसकी बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। बूट स्पेस आपको सिमिलर बलेनो के जैसा ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट लाइट मिसिंग है यहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट में। एक बैग हुक है यहाँ पे। राइट साइड में आपको टूल्स रखने के लिए एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट मिलेगा। और यहाँ इसके नीचे आपको मिलेगा स्पेयर व्हील, स्टील वाली है ये, एलॉय नहीं है। रियर इंटीरियर को चेक कर लेते हैं। इंटीरियर आपको सेम बलेनो जैसा ही मिलेगा, डुअल टोन, बस सीट थोड़ी अलग है, और डोर पैड्स में बॉटल होल्डर और स्टोरेज एरिया है। रियर सीट्स में हमको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे और सीट बेल्ट्स वही सारी 3 पॉइंट्स वाली हैं। यहाँ सेंटर कंसोल देखा जाए तो यहाँ रियर एसी वेंट मिसिंग है। जेटा और अल्फा में यहाँ पर रियर एसी वेंट्स मिलेगा आपको। अब फ्रंट पैसेंजर इंटीरियर को चेक कर लेते हैं। सेम डोर पैड, बॉटल होल्डर और स्टोरेज एरिया के साथ एसी वेंट, SRS एयरबैग। इसमें आपको डुअल एयरबैग्स ही मिलेंगे, 6 एयरबैग जेटा और अल्फा के लिए है। और फ्रंट से ऐसा कुछ लुक आता है रियर का। अब मैंने इसके हेडलाइट्स को ऑन कर दिया है, लो प्लस हाई बीम देख सकते हैं आप। ऑटो हेडलाइट्स का फंक्शन मिलेगा इसमें आपको। अब ड्राइवर साइड के इंटीरियर को चेक कर लेते हैं। स्टीयरिंग आपको सेम वही मिलेगा, टिपिकल मारुति फ्लैट बॉटम वाला। और ड्राइवर साइड डोर पैड में वही टिपिकल मारुति कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर, स्टोरेज एरिया। हियर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नॉर्मल सा ब्लैक एंड वाइट MID मिलेगा आपको यहाँ पे। स्टीयरिंग माउंटेड मीडिया एंड कॉल कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल मिसिंग है डेल्टा प्लस वेरियंट से। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर। और यहाँ पे आपको मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स के साथ, ट्विटर्स नहीं है यहाँ पे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब इसके ग्लोव बॉक्स को चेक कर लेते हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट मिसिंग है यहाँ पे। और आगे में आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। और ये रहा इसका USB-A पोर्ट, 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट। और इस साइड आपको मिल जाएगा छोटा सा स्टोरेज एरिया, बोनेट रिलीज और फ्यूल टैंक लिड रिलीज। ये रहा डेल्टा प्लस के कीज़, इसमें स्टार्ट स्टॉप फंक्शन नहीं आता है, सो आपको ये वाले कीज़ मिलेंगे। सो मैं एक बार इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ। अब इग्निशन मोड ऑन है, स्मार्ट प्ले सिस्टम बूट हो रहा है, सुजुकी लोगो। ऊपर में आपको मैनुअल डे नाइट ORVM मिल जाएगा। इसके फुटफिल एरिया को चेक कर लेते हैं। स्पेस अच्छा है, डेड पेडल भी यूजेबल है। और यहाँ पे इस जगह पे जेटा एंड अल्फा वेरिएंट में वायरलेस चार्जर मिलता है आपको, जो इसमें मिसिंग है। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो यूनिट मिलेगा, अल्फा में आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस मिलेगा। मुझे तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव लग रहा है वाला यूनिट। हालांकि डेल्टा प्लस वेरियंट में बहुत सारे फीचर मिसिंग है, जैसे कि रियर कैमरा, HUD, 360 डिग्री कैमरा और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिसिंग है। रियर वॉश वाइप वाइपर भी नहीं है। कम से कम हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो देना चाहिए था मारुति को यहाँ पे। बाकी चीज़ों की बात करें तो पैसेंजर वाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। ड्राइवर साइड में कोई वैनिटी मिरर नहीं है, ना टिकट होल्डर है, और दोनों में ही लाइट भी नहीं है। और ये रहा फ्रंट केबिन लाइट और ये रहा सेंटर केबिन लाइट, दोनों ही हेलोजन है, कोई LED नहीं है। सो यह था फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरियंट। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 9.3 लाख से 1.2 लीटर इंजन के लिए। इसमें एक और इंजन ऑप्शन है 1 लीटर बूस्टर जेट का, उसका प्राइस है 9.7 लाख। एक्स शोरूम
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Watch out if you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting bored, loves the blood.